नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नेशनल लोक 13 को न्यायालय परिसर में लगेगी, इसके लिए 7 खंडपीठों का गठन किया गया। इनमें न्यायालयों से लंबित 576 प्रकरणों के अलावा प्रिलिटिगेशन के 4,047 प्रकरण निराकरण के लिए रखे जाएंगे। लोक अदालत की तैयारियों को लेकर शनिवार को जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति GC मिश्रा ने बताया कि प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के नियमानुसार छूट दी जाएगी। इस बार नेशनल लोक अदालत की इसमें कानून संशोधन के बाद धारा 294 गाली गलौज और 506 जो धमकी देने के मामले में भी समझौता करा जाएगा। इन प्रकरणों के निराकरण से वादी प्रतिवादी के साथ ही अदालतों को भी राहत मिलेगी। इसी प्रकार न्यायाधीश मिश्रा ने बताया कि लोक अदालत और ऐसी जगह है जहां कानून की अदालत में लंबित विवाद मामलों का शांतिपूर्ण दोनों पक्षों में बीच बचाव आपसी सामंजस्य बनाकर निपटारा समझौता किया जाता है। इनके मामले होते हैं उस समय उसके पास धनराशि कम पड़ रही है और बाद में उसके पास जो व्यवस्था हो गई है तो अगली लोक अदालत में ले सकता। फायदा ये होता है कि सिविल केसेस में कई मामलों में तो लाख रुपए से अधिक की कोर्ट फीस लगी होती है। अगर वो मामला लोक अदालत में निपटता है तो पूरी कोर्ट फीस वापस हो जाती है। इसी तरह इसमें कुछ इस बार दोबारा से केस रखेंगे उनको कुछ आंकड़ा है कि नहीं? ये चूंकि जैसे होता है प्रिलिटिगेशन केसेस जो रहते हैं उसको अपन निपटा देते हैं, मतलब उसको डिस्पोजल हो जाता है, चाहे उसका जो है निरा मतलब वो दोनों में भी कोर्ट फीस लगी होती है। अगर वो मामला लोक अदालत में निपटता है तो कोर्ट फीस वापस हो जाती है। तो पक्षकार प्रयास करता है कि अगर पहले लोक अदालत में नहीं निपट पाया है तो दोबारा फिर से लोक अदालत अगली लोक अदालत तक पैसे की व्यवस्था कर दे। इस बार कुछ और नए, जैसे पिछले बार मारपीट वाले मामले जोड़े थे, इस बार कुछ नए मामले इनसे हट गए? नहीं, अब जैसे वो जुड़ गए मामले तो वो तो रहेंगे मामले, जो क्रिमिनल केसेस के कुछ नहीं संशोधन हो गया तो हमेशा अब वो आगे उसके अतिरिक्त और कुछ संशोधन नहीं हुआ, हमेशा के लिए अब वो हमेशा के लिए जुड़ गए। अभी मतलब कुछ ऐसा नया कोई बात इस तरह का शामिल नहीं किया गया। हर बार की तरह इस बार भी माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार और माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जैन साहब की मार्गदर्शन में इस बार भी 13 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर बार की तरह हर तरह के प्रकरण इसमें रखे जा रहे हैं जो राजीनामा योग्य होते हैं। अभी तक कुल 576 नियमित प्रकरण हमने लोक अदालत में रेफर किए हैं और 4,027 प्रकरण प्रिलिटिगेशन के हमारे सामने अभी प्रस्तुत हो चुके हैं, जो बैंकों के, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के, नगर पालिका के और दूरसंचार विभाग के हैं। हर बार की तरह इस बार भी 7 खंडपीठों का गठन अभी तक किया गया है जिनमें मामलों का निपटारा होगा। पूर्व की तरह इस बार भी जो राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण भी लोक अदालत में निपटाए जाएंगे। मेरा आग्रह है कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि वो लोक अदालत का लाभ उठाएं। लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने से कई लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि पक्षकारों के मध्य जो वैमनस्यता होती है वो समाप्त हो जाती है। एक नियमित न्यायालय में जब किसी प्रकरण का निराकरण होता है तो दूसरे पक्षकार को ये छूट होती है कि वह उससे बड़े न्यायालय में अपील कर सके, लेकिन लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने पर मामले का संपूर्ण निराकरण हो जाता है। इससे अदालतों पर प्रकरण का बोझ कम होता है। दूसरा, पक्षकारों के विरुद्ध वैमनस्यता खत्म हो जाती है। तीसरा, ऐसे प्रकरण जिनमें कोर्ट फीस प्रस्तुत की गई है उसको वह कोर्ट फीस जो है वापस हो जाती है। जो प्रीलिटिगेशन प्रकरण है उसमें बैंक, बीमा कंपनियां और ये आपके विद्युत विभाग सब जो है छूट देते हैं, नियमानुसार छूट देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उनमें अपने प्रकरण का निराकरण कराता है तो जनमानस उसमें छूट ले सकता है। तो मैं सबसे जो है मीडिया से भी आग्रह है कि वो जो है इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।